कितना भी धन वाला हो, वैभव वाला हो, प्रभाव वाला हो, लेकिन जिसके घर में प्रेम का धन है उससे बड़ा तो सौभाग्यशाली दुनिया में कोई। सात्विक भोजन, सात्विक भेष, सात्विक परिवेश, आसपास का वातावरण सात्विक बनाइए। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर का संग। एक केला बहुत, केले का पौधा चिकना, मुलायम, नम्र, कठोर नहीं, कांटे नहीं, बराबर में है बेर, बेर के पास कांटे, कांटे भी उसके कैसे होते हैं, जैसे सांप का डंक, सांप का डंक मुड़ा हुआ, बेर के भी कांटे ऐसे ही होते हैं। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर का संग, वो हाले ढिग आपने उसके फाटत अंग। प्यार में आकर के जैसे वो हिलता डुलता है ना, चलो दोस्ती करते हैं, जैसे दोस्ती में उसकी डालियां आकर के केले के पत्तों से लगती हैं, उसके कांटे ऐसे चुभते हैं कि उसके पत्ते फटकर नीचे लटक जाते हैं। दोस्ती बुरी, बुरा आदमी रहेगा ना, दुखी कर देगा आपको। इसलिए कहा है कि संगति, परिवेश भी अच्छा, भोजन भी अच्छा, पहनावा भी अच्छा, बातचीत अच्छी, संग भी अगर आदमी का सात्विक है, विचार भी सात्विक, पढ़ना पढ़ाना सात्विक, तो सात्विक वातावरण रहेगा तो नम्रता बनी रहेगी, और फिर व्यक्ति प्रभु की तरफ भी चलेगा, सद्गुरु की तरफ चलेगा, सत्याचरण करेगा, सत्कर्म करेगा, सत्य वचन बोलेगा, सब चीजें व्यक्ति की बदलती हैं, तो अन्न भी सात्विक, अन्न से मन बनेगा, संग का रंग लगेगा, पानी से वाणी बनेगी, जैसी जगह पर आप रहेंगे और फिर उसी के अनुसार आप व्यवस्थित या अव्यवस्थित होंगे। जीवन अगर व्यथाओं से भरा हुआ है, दिखाई देता है, जीवन में अगर व्यथा है तो व्यवस्था की कमी है, सिस्टम गड़बड़ाया हुआ, रहना सहना चलना फिरना काम करना दिनचर्या सब में गड़बड़। जैसे व्यवस्थित हो जाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से आप जीवन को चलाना शुरू कर देंगे तो व्यवस्था बनी और व्यथा गई। इसलिए अगर व्यथा हटानी है तो व्यवस्था जीवन में लाना शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पति पत्नी का मेल अच्छा हो ना, वो देखने में दो लगते हैं लेकिन दो नहीं होते, होते एक ही। ये गणित ही विचित्र है, ऐसा प्रेम का गणित है, यहाँ एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक ही हो जाते हैं, और ताकत एक और एक 11 की, बल्कि 111 की ताकत होती है उनकी, जब तक वो दोनों एक है। क्योंकि पत्नी जब पति के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मान ले, उनके आदर्श को अपना आदर्श मान ले, तब होता यह है कि अगर पति के मन में कोई भाव आया है, पत्नी को पहले समझ में आ जाता है क्या चाहते हैं, प्रेम इतना होना भी चाहिए। कहते हैं ना कि सात सहेलियां पानी भरते भरते बात कर रही हैं, मेरा पति सेनापति, एक कहती है धनपति, एक कहती है कि मेरा पति बहुत प्रभाव वाला राज कार्य में लगा रहता है, एक ने कहा कि मेरा पति बहुत बड़ा शिक्षाविद है। सब अपने अपने गुण बता रही हैं, और इतनी देर में दोनों घड़े भरे, सब अपने अपने घड़े उठाने लगे, तो सब लोग पूछती हैं छह की छह सातवीं से, तेरा पति क्या है, बोले मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा पति धनपति सेनापति अन्य सारे गुणों वाला तो नहीं है, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, बस मुझे तो इतना ही पता है। और इतना ही कहा, इतनी देर में वो आ गया, उसने कहा भगवान तू घड़े क्यों उठाती है, पत्नी कहती है नहीं मैंने उठाने हैं, तो एक घड़ा वो उठाया उसने और एक उसने, दोनों उठाकर चल पड़े। और छह की छह क्या कहती हैं, कितना भी धन वाला हो, वैभव वाला हो, प्रभाव वाला हो, लेकिन जिसके घर में प्रेम का धन है उससे बड़ा तो सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं।